तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी कितनी क्लिक रेट है, क्या यह गेमिंग माउस है। तो चलिए आपके लिए और न्यू वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बात करने वाला रेड गियर के गेमिंग माउस के बारे में, तो इसकी मैं फुल डिटेल्स बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। अनबॉक्सिंग करने से पहले, इस चैनल पर पहली बार आया हो तो आपको नीचे रेड गियर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, लेट्स ओपन। तो इसके बॉक्स के ऊपर की बात करें तो इसमें कुछ हाइलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ देखो इधर प्रोडक्ट्स का नेम देखने को मिल जाता है, एलईडी गेमिंग माउस, ठीक है। साथ में पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है, बाकी कुछ यहीं पर देखने, साइड में भी आपको कुछ हाइलाइट्स देखने को मिल जाती है माउस की, ठीक है। तो लेट्स ओपन। तो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, काफी अच्छी है, बट मैं जैसे तैसे खोल रहा हूँ। तो इसमें आपको यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, ठीक है। साथ में इसमें आपको रेड गियर का स्टिकर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप किसी जगह चिपका सकते हो। साथ में आपका माउस देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी है। तो गाइज, इस माउस की वायर की बात करूँ तो ये काफी डिसेंट देखने को मिल जाती है, जो काफी हैवी भी बोल सकते हैं इसे। और साथ में ये यूएसबी पोर्ट मिल जाती है, जिसे आप लैपटॉप पीसी किसी में भी कनेक्ट कर पाओगे। साथ में इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें प्लास्टिक से बनी है, ये काफ़ी अच्छी है। साथ में पीछे आपको लाइट देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाता है। साथ में इसमें RGB लाइट देखने को मिलता है, जो यहाँ पर बल्ब जलेगी, तो आपको कनेक्ट करूँगा तो आपको बताऊँगा, आगे बने रहिए जब तक वीडियो में। साथ में इसमें आपको ऑटोमेटिक कलर चेंज भी मिल जाता है, जो इससे आप ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगी। साथ में ये माउस हल्की भारी है, ठीक है। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लाइट जल गई, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। साथ में गेमिंग माउस की तरह है, देख सकते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। साथ में ये आपको पता है, लगता है कि 1 या 2000 का माउस है जैसे लगता है, बट ये चीपेस्ट माउस है, आपको प्राइस आगे पता चल जाएगी। तो गाइस, इसकी बटन्स के बारे में बात करूँ तो ये लेफ्ट या राइट बटन मिल जाती है, साथ में ये स्क्रॉल बटन देखने को मिल जाती है। इसकी क्लिक की बात करूँ तो 3 मिलियन क्लिक्स देखने को मिल जाती है। साथ में इसमें DPI जो 800, 1200, 1600, 2400 तक मिल जाती है। साथ में इसमें हैंड फिटिंग की बात करूँ तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, मुझे के लिए बहुत अच्छी हैंड फिटिंग मिल जाती है। साथ में इसे आप माउस पैड के साथ यूज करोगे तो माउस की लाइफ एक्सपेंड हो जाएगी, जो एक अच्छी बात है। तो गाइस, इस माउस की कर्सर की बात करें तो आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे मिलती है। साथ में इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो अच्छी मिल जाती है, तो मुझे अच्छी लगी इसकी कर्सर। तो इसकी प्राइस की बारे में बात करूँ तो ये आपको एवरेज 300 के लगभग मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, माय फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो इसमें आपको डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। साथ में इसमें बटन्स की बात करूं तो इसमें बटन्स भी काफी अच्छे मिलने वाले हैं, मुझे अच्छी लगी। तो आप एक गेमिंग माउस खोज रहे हो तो आप जाके इसे सर्च कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अब जाने का वक्त हो चुका है। तो वो कैसी लगी ये वीडियो, इसमें सारी डिटेल्स माउस के बारे में बता दी है, तो आपको अच्छी लगी वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।